भाई मैं बता रहा हूँ, मिल जाते हैं ना ऐसे पेपर चेक करने वाले। पर देखो स्क्रीन के बगल में दिख रहा है, चार नंबर दिए, वो भी एक आदमी ने नहीं, तीन तीन लोगों ने मिल करके। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा आयोग है, जो गंद मचा के रखा है, जो गंदगी फैला के रखा हुआ है, उसके ऊपर है। कारण सिंपल है, पारदर्शिता दिखाने के चक्कर में खुद फंस गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। पूरा का पूरा वीडियो देखोगे अंत तक तो समझ में आ जाएगा और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा कि इस प्रकार के वहाँ पर या तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, या तो इतने गधे लोगों को रखा गया है कि मतलब क्या बताऊँ, ठीक है, या काम करने में इतने अलाल हैं, इतने मतलब शब्द का चयन सही करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो वो भी देखेंगे और वो सम्माननीय है, वो पीएचडी होल्डर हैं, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे उसमें और बड़े बड़े अधिकारी उन लोग बनेंगे भी। चलिए चलते हैं, धीरे धीरे आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखूंगा। क्या है कहानी सुना देता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पारदर्शिता के चक्कर में क्या किया, मेंस का 3 दिन के लिए जारी किया है कि आप सभी अपना अपना डाउनलोड कर सकते हो, जो मेंस का पेपर लिखे हुए हो, किसको कितना नंबर मिला है सब देख सकते हो। उसके बाद जो हो रहा है, आप सभी वीडियो को अंत तक देखना, मैं टॉपर लोगों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपको कि किस प्रकार का गंध मचा हुआ है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में। और इस पर लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए भैया, इस प्रकार के जो गलती करे ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो हटाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला चीज है, क्वेश्चन पेपर का ही दिखाऊंगा पहले, उसके बाद फिर टॉपर्स के ऊपर जाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद मन करेगा तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सम्माननीय अधिकारियों के बारे में भी 2 शब्द रखेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ है, 1857 की क्रांति में ये बहुत वायरल हुआ था ये वाला प्रश्न, कि छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह जी के बारे में वर्णन करना था। 3 लोगों ने पेपर चेक किया भाई, आप सभी को स्क्रीन के में जो दिख रहा है END लिखा है ना एक साइड में, उन्होंने 5.5 नंबर दिया, मतलब एग्जामिनर ने जो नंबर दिया है डिप्टी हेड एग्जामिनर, उसके बाद पेपर चेक होने के बाद दूसरे आदमी के पास जाता है और तीसरा पास जाता है वो होता है हेड एग्जामिनर। तो इन 3 महान ज्ञाताओं ने, बारकोड है भाई, बारकोड आराम से हर कोई स्कैन करके बता सकता है किसका है, पीएससी मतलब बता पाएगा। तो इन 3 महान ज्ञाताओं ने जो पेपर चेक किया है, हे महान ज्ञाता, पूछा क्या है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के बारे में पूछा है ना भाई, हनुमान सिंह के बारे में पूछा है ना, बंदे ने क्या पूरा का पूरा वीर नारायण सिंह के बारे में छाप दिया है पूरा। नंबर कितना दिए हैं, 5.5 नंबर। और यहीं पर अगर आप सही वाला देखोगे ना भाई, एक बंदा है उसने हनुमान सिंह के बारे में पूरा का पूरा लिखा है और उसको कितने नंबर दिए, 3 नंबर। तो ये जो महान ज्ञाता है ये कहां से आते हैं, सोचने वाली बात है भाई। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न है, हर एक चीज को दिखाऊंगा। इंग्लिश हिंदी का अपन लोचा देखेंगे, मतलब जो पूछा पूछा क्या हनुमान सिंह के बारे में, लिखा क्या वीर नारायण सिंह के बारे में, दिया ज्यादा नंबर और जिसने सही लिखा उसको कम नंबर दिया। निबंध में भी बताऊंगा भाई, निबंध में तो इससे लंबा लंबा झोल किए हैं, ठीक है, सारा चीज देखेंगे। तो ऐसे जो 3 लोगों ने चेक किया ना भाई, एक बंदे ने चेक नहीं किया, 3 बंदे ने चेक किया, तीनों के तीनों को क्या करना चाहिए, सीधा चल भैया हो गया, नेक्स्ट ईयर से चेक करने मत आ तू, क्योंकि इस प्रकार का फालतू चेक करेगा तो कोई फर्जी आदमी ही अधिकारी बनेगा भाई, उसके पास दिमाग थोड़ी होगा जी, पूछा कुछ रहेगा करेगा कुछ, वैसे ही ग्राउंड में अगर जब जॉब करने जाएगा तो उसे कुछ काम दिया जाएगा करेगा, साला कुछ हो जाएगा ना। अपने चीजों पर हम लोग संयम रखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वो है, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो दूसरा बोल रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश का लोचा है, यहाँ पर दिख रहा है मुश्किल से 5 पॉइंट लिख दिया भाई ने, या बहन कोई भी हो सकता है, जेंडर यहाँ से स्पेसिफाई नहीं है, उसको 5 नंबर दिए और वो भी ढंग का भी नहीं लिखा है, ठीक है, चेकिंग ऑफ प्रिंसिपल डन सब कुछ भी मन किया, जो भी इंग्लिश में आते हैं ना भाई, इंग्लिश वाले कुछ भी लिख देते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वाले गलत ही लिखते हैं, लेकिन इसने तो इंग्लिश वाले ने कुछ भी लिखा है, इसको 5 नंबर लिया है, मिला है, ठीक है। वहीं पर हिंदी वाले का आप सभी को दिख रहा होगा, बढ़िया, वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं को पूरा पूरा बहुत सुंदर तरीके से, और एक प्रकार के जो बुक होता है ना वो जैसा सिस्टम जो बोलता है हर एक चीज को वैसे लिखे भाई, कितना नंबर दिए, 4 नंबर। हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पक्षपात हो रहा है
और मेरे को जहाँ तक लगता है ये जो हमारे पीएचडी होल्डर हैं, पुराने ज़माने के लोग जो पेपर चेक करने वहाँ जाते होंगे, उनको इंग्लिश आता जाता नहीं होगा। सीधा का सीधा जो चीज़ें हैं उसको वैसे चेक कर देते होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो कितना प्यारा लिखा है, एक एक चीज़ को देखो ना कितना सुंदर तरीके से लिखा है, उसको चार नंबर दिए, और वहीं एक इंग्लिश में लिखा है और चार लाइन लिख दिया, पांच लाइन, वो भी पूरा लाइन कंप्लीट नहीं है ना भाई, टॉपिक टॉपिक लिख दिया, उसको पांच नंबर दे दिए, वो भी कितने नंबर में, आठ नंबर में पांच नंबर दे दिए, थोड़ा सा लिखने के लिए, जबकि लिखा है 100 शब्दों में लिखना कम से कम। तो इस प्रकार का चीज हिंदी इंग्लिश में हो रहा है। अभी और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आते हैं तो देखो खालिस्तान है, अब फुलिस स्पेलिंग में देखो FOOLISH, इसको कितना नंबर दिए हैं, दो नंबर दिए हैं, और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा वो बढ़िया बेचारा पूरा लिख दिया, ठीक है, इट वॉज वेरी फुलिश, पूरा पूरा अच्छे से लिखा है ना, ठीक है, तो उसको कितना नंबर पकड़ा है, एक नंबर। भाई सब कुछ सही था, सब कुछ सेम था, तो इस बंदे के साथ एक नंबर में, समझ रहे, एक नंबर में कितना बड़ा उथल पुथल हो जाता है। एक नंबर में वो DSP से डिप्टी कलेक्टर बन सकता था, और उसको हो सकता था कोई पद ही ना मिले, पॉइंट में खेल हो जाता है भाई, यहाँ तो एक एक नंबर का झोल कर दियो। सब कुछ तो सही लिखा है यार, सब कुछ सेम है, सब कुछ स्पेलिंग स्पेलिंग सब सही है, तो इतना बड़ा गलती क्यों? आगे और चलते हैं। अब ये देखोगे नेक्स्ट है, कूनो अभ्यारण्य की स्थिति एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इसको भी तीन चार नंबर का था, दो नंबर दिया गया है, एग्जामिनर ने भी दो नंबर दिया है, डिप्टी हेड एग्जामिनर ने भी दो नंबर दिया है, और आपका हेड एग्जामिनर ने भी इसको दो ही नंबर पकड़ा है। कूनो अभ्यारण्य आसाम राज्य में स्थित है, सबसे पहले लिखा है, वो भी नक्शा में भी बना के लिखा है, भैया कूनो अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो नीचे में लंबा लंबा फेंका है ना भाई बंदे ने, वो पूरा गलत गलत फेंका है। क्या लिखता है, यह भारत का सबसे प्रथम अभ्यारण्य है, दादरी। आगे चलते हैं भैया, एक ही ठन में करेंगे तो समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, इतना लंबा नहीं फेंकना है, ठीक है, और इतना लंबा फेंकने के बाद भी सामने वाले ने उसको दो नंबर पकड़ा दिया, समझो हम यही बोलेंगे ना, सस्ता वाला नशा करके पेपर चेक कर रहे होंगे इन लोग, और तीनों के तीनों इक्वल नंबर दिए ना भाई, क्योंकि क्योंकि ये हमको दिख रहा है। और प्रतिभागी का क्या स्थिति होगा यार आज के डेट में, मैं ये सोचता हूँ क्या स्थिति होगा, जो जो लोग ऐसे ऐसे पेपर को देखेंगे ना, उन लोग ये जो एग्जामिनर्स हैं उनके बारे में क्या राय निकालेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या राय निकालेंगे, ये सोचने वाली बात रहेगी। आगे चलते हैं, आगे है टिकेत राय के कार्य की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है, जाना ना। टिकेत राय इज अ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ही इज नोन फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। अब मेन चीज मुद्दे पे आना भाई, मेन मुद्दा क्या है टिकेत राय के बारे में, कुछ नहीं लिखा है ना इंग्लिश में, बस गोल 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 घुमा दिया गया है। इसको कितना नंबर पकड़ा दिया, ढाई नंबर, ठीक है। वहीं पर अगर आप दूसरे को देखोगे ना जिसने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से लिखे भाई, उसको दो नंबर पकड़ा है, आधा नंबर कम कर दिए। मतलब इंग्लिश में आप कुछ भी लिखो आपके लिए सब सही है, सब चलता है, ठीक है। मेरे पास पूरा का पूरा PDF है, स्कैनर से ही मैं दिखाऊंगा, ठीक है, नामों रोल नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं फोकट में किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। जो हो रहे हैं अपनी गलती से वो तो होंगे ही। अब देखिए पूछा है हरेली तिहार के बारे में ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हरेली तिहार के बारे में लिखना है। आप सभी को स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा होगा, 38 नंबर मिला है इनको, ठीक है, कितना नंबर, 38 नंबर दिया गया है हेड एग्जामिनर के द्वारा, और ENDE करके भी 38 नंबर मिला है। विश्वास करो इसके नीचे आते जाओगे ना, शुरुआत का डेढ़ पन्ना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखा है, हरेली तिहार के बारे में लिखा है। उसके बाद ये चालू हो जाते हैं गोधन न्याय योजना, और पूरा गोधन न्याय योजना छाप देते हैं, ठीक है, दो पन्ना तो गोधन न्याय योजना छापे हैं, ठीक है। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया, जिसका सफल क्रियान्वयन गोधन समितियों के माध्यम से होता है, फिर ये रोजगार रोजगार फसल के आवश्यक ये सब लंथन डाल दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद गोधन न्याय योजना पे ही नहीं रुके, अब ये राज्य में मिलेट मिशन को भी इसी में घुसा दिए। भाई हरेली तिहार पूछा गया है, अब लिखने वाले की मैं क्यों गलती मानूं यार, लिखने वाला तो अपने मन से कुछ भी लिख देगा ना, लेकिन जो चेक करने वाला है मेन गलती तो उसको आएगा। इसको 38 नंबर दिए हैं, समझो 38 ऐसे में हरेली तिहार में कुछ भी लिख के आए। और इसी बता रहा हूँ, एक बंदा है उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है भाई, सिर्फ और सिर्फ उसने हरेली तिहार को ही लिखा है। स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा आपको, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना भी है हरेली तिहार से संबंधित ही लिखा है, और उसको कितना नंबर पकड़ा है, 24 नंबर, समझो।
एक को दे रहे हो कितना 38, एक को दे रहे हो कितना 24, 14 नंबर मेरे भाई। तहसीलदार वाला सीधा डिप्टी कलेक्टर बन जाए, इतना अंतर होता है। और इस बंदे ने क्या किया है, आप सभी इसको देखोगे कितना अच्छे तरीके से हरेली तिहार को, छत्तीसगढ़ की विशिष्ट ग्रामीण संस्कृतियों की परिचय का यह त्यौहार है, ठीक है। और उसने पूरा का पूरा हरेली तिहार मनाने हेतु मान्यता क्या है उसके बारे में डाला है, ठीक है। कैसे कृषि पूजा करते हैं, ठीक है, गुड़हा चीला खाते हैं, गेंडी तिहार, गोड़ी तिहार है, ठीक है, पूरा नित्य हरेली तिहार के मायने, ये सारे चीज़ को लिखे भाई, सारे चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर इस बंदे को अगर 38 नंबर मिलता ना तो आज ये बंदा कितना अच्छे रैंक पर होता, लेकिन क्या करें, यही हमारा सिस्टम है। अब आगे हम सभी चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के टॉपर्स के ऊपर, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल लोग, नॉर्मल बंदे, जो कि कुछ एक्चुअल जो बता रहा हूँ उनको शायद ही कोई पोस्ट अच्छा मिला होगा या मिलेगा, लेकिन जो लोग को ज़्यादा नंबर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा करके नंबर दिया गया है, उनको गारंटी कोई ना कोई अच्छा पद जरूर मिला होगा। अब मेन है, एक वीडियो क्लिप है, पहले वीडियो क्लिप को अच्छे से आप सभी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपने वक्तव्य रखूँगा। ये है NIT से पास आउट हैं, इनके ऊपर आरोप लगा था कि इनको छत्तीसगढ़ी का छ भी नहीं आता है और ये डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं। कायदे से इनको अपना जो पेपर है, ठीक है, जिस पर विवाद है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। पहले आप सभी इनका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य रखूंगा। कितने लोग नाट्य हैं सर? लोक नाट्य छत्तीसगढ़ में? हाँ, फोक ड्रामा, कितने फोक ड्रामा है छत्तीसगढ़ में? सर मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाई उसका पोर्शन, लेकिन फिर भी ठीक है। आपने जैसे अभी कहा कि सर मैं UPSC का तैयारी कर रही थी, UPSC को मैंने इसकी किया, उसके बाद में CGPSC की तरफ अपना मतलब रुझान रखी कर, तो ये तो भी आपके लिए एक अजीब सा उत्तर नहीं रहा आपके लिए? सर अजीब सा उत्तर रहा है, पर अब एक एम्बिशन सेट कर ली हूँ सर मैं कि मेरे को जाना है जैसे पब्लिक सर्विस में ही जाना है, तो अब मेरे को कहीं एक एक जैसे एक जगह पहुंचने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, अब एक वे में मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज भी मैं सीख गई हूँ यहाँ रह के और यहाँ के लोगों के बारे में भी जान गई हूँ, तो फिर मेरे को लगा कि ये प्रिपेयर करना चाहिए, इसमें शायद मैं सफल हो जाऊँ। हाँ सर मैं जैसे आम बोलचाल, जैसे मेरे एक फ्रेंड के यहाँ बुजुर्ग वगैरह है और उन लोग से मैं जब भी जाती हूँ उनसे छत्तीसगढ़ी में ही, उन्हीं से सीखी हूँ मैं बेसिकली, वो छत्तीसगढ़ी बस जानती है, तो उनसे बातचीत कर करके फिर मैं थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए फिर इसको। सर अब ज़्यादा डीप में तो नहीं पता, लेकिन बेसिक अपन कॉमन चीज के लिए चलते। अब मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के बारे में आप 2 मिनट में बोले। अच्छा सर छत्तीसगढ़ के बारे में 2 मिनट कुछ भी बोलो। क्या आपको जानकारी है, आप कुछ भी बता सकते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुए, छत्तीसगढ़ देश के 26वां राज्य बने, यहाँ सर एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बहुत लोक नृत्य और लोक नाटक हवे सर, थोड़ा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करूँगी पर मैं कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस पर काम करूँ। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप को देखा, देखो ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में जो टॉपर्स हैं ना उनका नाम आ रहा है, ठीक है, कि किसी को इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता है, किसी को छत्तीसगढ़ी का अच्छा नहीं आता है, फिर भी उस पेपर में इन्होंने इतना अच्छा नंबर लाया। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनको अपना जो मेंस लिखे हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, और ख़ास करके ये जो छत्तीसगढ़ी के छ वाली मैडम हैं उनको अपना जो मेंस में इन्होंने जो लिखा है उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई भले मेरे को छत्तीसगढ़ी आए चाहे ना आए, मैं बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, ये देखो मेरा ये जो मेंस का आंसर शीट है उसको देखो। तो इससे क्या होगा, लोग उनको गलत नहीं समझेंगे, ये उनके लिए है, मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे टॉपर्स अपने आप को छुपाते हैं, लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक भ्रष्टाचार का एक इंडिकेशन वो है, और जब ऐसे लोग अधिकारी बन करके जाएंगे तो भगवान ही बचाए उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या जिले को। लेकिन अगर वो अपने आप में सही हैं तो ऐसे लोगों को अपना जो मेंस का पेपर है उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, और देखो
जो भी मेरे लिए कोई भी उल्टा फुल्टा बोल रहा है उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा ये सारी चीज़ें, तो उनको आगे ज़रूर आना चाहिए, अपना मेंस का पेपर पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। और ये जो पुराने भी टॉपर्स हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक पारदर्शिता अगर लाई जा रही है तो लोगों के मन में जो उन पर्टिकुलर, देखो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऊपर तो भरोसा लगभग लगभग उठ जाएगा जब प्रतिभागी ऐसा ऐसा देखेंगे तो, लेकिन उनके जिले में जो अधिकारी आ रहा है उसको अपना इज्जत अगर बचाना है तो उसे तो कम से कम पब्लिक डोमेन में अपने मेंस के पेपर को तो रखना चाहिए। बाकी वीडियो यहीं तक था, आपका जो राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो फिर क्षमा मांग लेता हूँ मैं अभी से। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी प्रतिभागी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रतिभागी हो भाई आप लोग, कुछ भी लिखोगे आपको नंबर चाहिए होता है, ठीक है। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, मैं मेन है वो जो तीन तीन लोग चेक करते हैं ना उनसे सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है, कहाँ के गया था भैया, आओ थोड़ा मिलो हमसे भी, एक आध इंटरव्यू दे दो यार, हमको भी, हम भी देखें। अब हमारा इंटरव्यू मत लेने बैठ जाना, क्योंकि आप लोग तो ज्ञाता हो, ज्ञाता लोग कुछ ही पूछ देंगे ना, है कि। आगे चलते हैं, वीडियो यहीं तक था, वीडियो को तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़, हाँ टमन सिंह सोनवानी सर अब नहीं है, लेकिन आरती वासनिक मैडम जो हैं उनके ऊपर उठ रहा है सवाल, और उठना भी चाहिए क्योंकि वही परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्जाम कंट्रोलर वही हैं, तो उनको अब पब्लिक डोमेन में आ करके जवाब जरूर देना चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर को जवाब दे, सोशल मीडिया में कुछ डाले या जो भी चीज़ करे, सोशल मीडिया में कभी नहीं डालेंगे, लेकिन उनको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे गलत गलत टाइप के चेक किए हैं उन टीचरों के खिलाफ या उन पीएचडी होल्डर या वो जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण एक गलत इंसान चयनित होगा और एक सही इंसान बाहर रह जाएगा। थैंक यू।